नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। राजस्थान में 1 अप्रैल से पीओजीओ हुआ शुरू। राजस्थान सरकार ने आबकारी नीति में किया बदलाव। 1 अप्रैल से प्रदेश में बियर मिलेगी 30 से 35 रुपए तक सस्ती। गहलोत सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी होगी आज से शुरू। प्रदेशवासियों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज। राजस्थान में आज से पीओजीओ के साथ कई अहम बदलाव हो रहे हैं। इसमें पीओ से मतलब है कि प्रदेश में 1 अप्रैल से बियर सस्ती हो रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेशवासियों को गहलोत सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का तोहफा भी दिया है। राजस्थान सरकार ने गुरुवार यानी 1 अप्रैल से अपनी आबकारी नीति में बदलाव किया है। आज से प्रदेश में बियर 30 से 35 रुपए तक सस्ती मिलेगी। नई आबकारी नीति के तहत बियर की दरों पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क और कोविड सरचार्ज को कम कर दिया गया है। बियर की दरों का बदलाव ब्रांड के अनुसार अलग अलग होगा। वहीं शराब की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। वहीं गुरुवार से प्रदेश भर में एक ही दुकान पर अंग्रेजी और देसी शराब दोनों मिल सकेंगी। अब तक शहरों में दोनों की अलग अलग दुकानें थी। वहीं कोरोना काल में राजस्थान में बियर की बिक्री में जबरदस्त गिरावट आई थी। लॉकडाउन और पाबंदियां भी इसका एक कारण रहा है। कोरोना की वजह से 95 लाख पेटी बियर की कम बिकी। इसकी वजह से सरकार को रेवेन्यू का काफी नुकसान हुआ। बियर की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस बार अतिरिक्त आबकारी शुल्क और एमआरपी में कमी के साथ कोविड सरचार्ज को हटाने का फैसला किया है। सरकार ने बियर की खपत में आई कमी से खजाने को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इसकी कीमतें कम की हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की गहलोत सरकार प्रदेशवासियों के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आई है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज सरकारी और संबद्ध निजी अस्पतालों में दिया जाएगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किए गए हैं। बता दें कि मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, जांचें, दवाइयां तथा डिस्चार्ज के बाद के 15 दिनों का संबंधित पैकेज से जुड़ा खर्च भी पैकेज में शामिल होगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य विशेष पंजीयन शिविर 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर लगाए जाएंगे। निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा रहे हैं। इसके बाद भी 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन होगा। बता दें कि लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई मित्र के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के लिए जन आधार कार्ड अथवा जन आधार कार्ड नंबर के साथ आधार नंबर अनिवार्य है। इस खास खबर में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।